जय हिंद साथियों, मैं नवीन कुमार सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आज एटमॉस्फेयर पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक लेयर होती हैं और इसके कौन कौन से हमारे इम्पैक्ट हैं, हमारे वायुमंडल की घटनाएं कहाँ होती हैं। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, सबसे ठंडा स्फीयर कौन सा है, सबसे कोल्ड स्फीयर कहाँ है, एरोप्लेन जेट प्लेन कहाँ उड़ते हैं। और आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है अरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रियालिस की घटनाएँ कहाँ पर होती हैं। ठीक है, आयन मंडल कौन सा ऐसा मंडल है, कौन सा ऐसा स्फीयर है जहाँ से रेडियो वेव वापस आ जाते हैं। तो साथियों, आज उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर की साथियों 5 प्रमुख लेयर होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। साथियों, इसी थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ थर्मोस्फेयर, ये है साथियों आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर है ना, यानी कि ये साथियों है आयन मंडल, ये आयन मंडल है, थर्मोस्फीयर कहते हैं। अब जैसे कि ट्रोपोस्फीयर है साथियों, इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भाई, क्षोभ मंडल, इसको हम बोलते हैं समताप मंडल, और इसको बोलते हैं मध्य मंडल, और इसको हम बोलते हैं आयन मंडल, और साथियों इसको हम बोलते हैं हिंदी में बाह्य मंडल। यहां पर अगर देखोगे तो हमारा जो क्षोभ मंडल है साथियों, इसमें जितनी मौसम की जितनी एक्टिविटीज होती है, जैसे मेरे कुछ वीडियो साइक्लोन वगैरह पे पड़े होंगे, तो साथियों साइक्लोन का बनना, क्लाउड्स का बनना, ये जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज, यह इसको हम संवहन, इसे हम संवहन मंडल के नाम से जानते हैं, कन्वेक्शनल स्फीयर। कारण इसका ये है साथियों, हमारी पृथ्वी हर जगह तो एक जैसी है नहीं, कहीं जमीन है, मतलब कहीं पर अगर लैंड है तो कहीं ओशियन होगा, कहीं पर्वत है तो कहीं घाटियाँ होंगी। तो जब सूर्य की ऊष्मा मिलती है तो कोई जल्दी गर्म होता है, कोई देर में गर्म होता है। तो जो पार्ट जल्दी गर्म हो जाता है वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और जो पार्ट ठंडा होता है वहाँ हवा नीचे बैठती है। तो साथियों जाहिर सी बात है, जहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है तो लो प्रेशर हो जाएगा, अच्छा जहाँ हवा ठंडी होकर बैठ रही है वहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। तो बताओ, हाई प्रेशर लो प्रेशर अगर क्रिएट हुआ तो क्या हवाएं नहीं चलना चालू करेंगी? अच्छा, हवाएं चलेंगी तो ये चक्करदार चलती हैं, कारण ये है ऊपर से आती हैं या ऊपर को जाती हैं, समझ रहे हैं भाई, जो स्थान गर्म होगा वहाँ हवा ऊपर उठ रही है। तो एक तरीके से इसमें संवहन धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है साथियों, इसीलिए ये क्षोभ मंडल हमारा संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, तो संवहन मंडल के नाम से जाना जा रहा है साथियों। दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो साथियों स्ट्रेटोस्फीयर है, इसे साथियों ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ओजोनोस्फीयर। अगर हम ट्रोपोस्फीयर की बात करें साथियों, तो ये कितने से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? तो ट्रोपोस्फीयर अगर देखोगे तो 0 से साथियों 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखा जाता है, मतलब सॉरी 13 किलोमीटर ऑन एवरेज की बात की जा रही है। एवरेज इसकी जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर के आसपास है, 13 किलोमीटर के आसपास है। 13 से अगर हम 50 किलोमीटर कहें तो साथियों ये स्ट्रेटोस्फीयर है, और 50 से 80 किलोमीटर कहें तो ये मीजोस्फीयर है, और साथियों अगर थर्मोस्फीयर की बात करें तो 80 से 640 किलोमीटर या NCERT कहीं कहीं 400 किलोमीटर लिखती है। ठीक है, तो ये तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में हो गया कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती हैं। क्षोभ मंडल के बारे में मैंने बता दिया, किस मंडल को ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर, असल में साथियों इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करने का काम करती है। और आपको बता दें, अभी हम ओजोन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ अच्छे से बात करेंगे ये ओजोन करती क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज को कैसे फिल्टर करती है, कौन सी अल्ट्रावायलेट अर्थ पे पहुँचती हैं, कौन सी नहीं पहुँचती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, मीजोस्फीयर ये सबसे ठंडा मंडल है। कारण क्या है? ऊपर से आने वाली जो भी सौरिक विकिरण होगी, सोलर रेडिएशन होगी, वो असल में इन दोनों मंडल को गर्म करती है, लेकिन इन दोनों को, इन 3 को गर्म नहीं कर पाती। अच्छा, जो जाने वाली होती है,
जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं या पार्थिव विकिरण कहते हैं, पृथ्वी से लौट कर जाने वाली, वह इनको और इनको गर्म करती है लेकिन मीजोस्फीयर को गर्म नहीं कर पाती है। हाँ, यहाँ पर भी एक क्लाउड्स पाया जाता है साथियों, बहुत चमकीला क्लाउड्स होता है, उल्का पिंड के अवशेष और वाटर वेपर के मिक्सचर से बनता है। उल्का पिंड यानी कि मीटियोराइट के रिमेनिंग पार्ट, समझ रहे हैं, और जलवाष्प के मिक्सचर से बनता है। तो ये जो आपका मीजोस्फीयर है, यहाँ नॉक्टिलूशेंट क्लाउड पाए जाते हैं। कौन से क्लाउड्स होते हैं? नॉक्टिलूशेंट क्लाउड, नॉक्टिलूशेंट क्लाउड पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं साथियों थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, इसी को हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, आयन मंडल के नाम से जानते हैं। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है साथियों? यहाँ आयनों की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ये आयन्स कैसे बन गए? जाहिर सी बात है, पृथ्वी, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैसों से, बाहरी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, और बाहर अगर हो गए तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए साथियों इसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं और साथ में इसे आयनोस्फीयर कहते हैं। इसमें आयनों की बहुत सारी परतें होती हैं, और ख़ास बात यह है साथियों, ये पृथ्वी से आने वाली रेडियो वेव को वापस करता है। जो पुलिस वायरलेस फ़ोन यूज करते हैं या आप FM रेडियो चलाते हैं, वो असल में इसी मंडल से ही कम्युनिकेट होता है, समझ रहे हैं। और साथियों जैसे हमारा ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ आप देख रहे हैं 400 किलोमीटर, तो यहीं पर है साथियों। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है, कर्मन रेखा, कर्मन लाइन। ये कर्मन लाइन क्या होता है साथियों? जो भी सैटेलाइट हम छोड़ते हैं ना, वो कर्मन लाइन से ऊपर छोड़ते हैं। इसका कारण ये है कि कर्मन लाइन से ऊपर जी की वैल्यू कम काम करती है, जी की वैल्यू काम करना बंद कर देती है। ये बात क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। दूसरा, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है, अरोराज। अरोराज का मतलब होता है चमकीली तरंगें या चमकीली लाइट्स। ये क्या होती हैं साथियों? असल में हमारी पृथ्वी में अगर हम देखेंगे तो हमारी पृथ्वी में जो चुंबक है, वैसे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ठीक। अगर हम इसमें चुंबक देखेंगे तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, अगर चुंबकीय गुण देखेंगे। तो इसमें होती क्या है? मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, यहाँ मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, यहाँ मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं साथियों, सोलर फ्लेयर जो होते हैं, वो यहाँ से नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो यहाँ से एंट्री करना चालू कर देते हैं, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर रेडियो, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो रेयरीफाइड्स हैं, यहाँ से एंट्री करना इनको आसान होता है। तो यहाँ आयनोस्फीयर में चमकीली लाइट्स दिखाई देंगी, यहाँ आयनोस्फीयर में चमकीली लाइट्स दिखाई देंगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं? अरोराज शब्द यूज करते हैं। अगर वो नॉर्थ पोल के आयनोस्फीयर में दिख रहा है तो अरोरा बोरियालिस है, अगर वो साउथ पोल के पर दिख रहा है तो उसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस की घटना कहते हैं। ये बात क्लियर है? तो उम्मीद है आपको एटमॉस्फेरिक लेयर्स बहुत अच्छे से समझ में आया, और जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं इन्हीं पर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इन क्वेश्चनों को कई बार अरेंज करने के लिए बोल दिया जाता है, कई बार ये अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, बताइए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वाह्य मंडल, समझ गए, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एटमॉस्फेरिक लेयर्स क्या हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।